हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवेयन। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली टोटली आपकी रिक्वेस्ट में होने वाली है। क्यों? क्योंकि यार बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं रिगार्डिंग द सेम। मुझसे पूछा जाता है कि सर, IQ ऑप्शन को वेरीफाई कैसे करें, ओलिम ट्रेड को वेरीफाई कैसे करें, बायनमो को वेरीफाई कैसे करें, जितनी भी बाइनरी एप्लीकेशंस हैं उनको वेरीफाई करने के क्या तरीके हैं। तो आज IQ ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वेरीफाई करने की प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। यार लोग समझते हैं मुश्किल है, वेरीफाई नहीं हो पाता है, क्या गलतियाँ लोग करते हैं, मेजरली मिस्टेक्स क्या करते हैं जिनकी वजह से वेरीफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंसर्न रहता है यूजर्स का वो ये रहता है कि सर, हमें विड्रॉ नहीं मिल रहा है, सर विड्रॉ आने में टाइम लग रहा है, सर हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं है, क्या हमें विड्रॉ मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस इसी वीडियो में मिलेंगे। लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले ही लाइक कर दो यार वीडियो को, क्योंकि आपकी क्वेरीज पे, आपकी प्रॉब्लम्स पे वीडियो आती हैं, तो ज़रूरत है एक लाइक की मोटिवेशन के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं IQ ऑप्शन की। तो मैं यहाँ पे IQ ऑप्शन का इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं IQOption.com डालता हूँ। तो अगर आपकी ID ऑलरेडी लॉगिन होगी तो यहाँ पे आपकी दिख जाएगी, जैसा मेरा अकाउंट जो है अभी लॉगिन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप IQ ऑप्शन पे लॉगिन करोगे, ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। ठीक है, तो कंसर्न सबसे बड़ा आपके पास होता है कि हमारे पास विड्रॉ नहीं आता है। तो विड्रॉ क्यों नहीं आता? तो हम कुछ ना कुछ गलतियां वहां पे ऐसी करते हैं जिसकी वजह से विड्रॉ नहीं आता, क्योंकि ये एप्लीकेशंस रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, ये आपके साथ चीट नहीं करेंगी। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये एप्लीकेशंस भी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही हैं, ये मार्केट में ये भी पैसा कमाने के लिए, ये अपना बिजनेस कर रही है। अब आपको अपना बिजनेस कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसे जॉब की तरह लोगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा लोगे, और अगर आप इसे लोगे एक फ़न की तरह तो यहाँ पर आप बहुत पैसा गंवा दोगे। और इन एप्लीकेशंस का काम ही यही है। आप क्योंकि यहाँ पे ये एप्लीकेशंस मार्केट में एस्टैब्लिश ही इसी तरीके से है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ से पैसा बना पाते हैं, बहुत ही कम लोग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसे यहाँ पे लोग जो है वो गंवाते ही हैं, नहीं, पैसा कमाते भी हैं, अर्न भी करते हैं, लेकिन कम, बहुत ही कम। रीज़न उनका यही रहता है कि वो प्रॉपर प्लान के साथ नहीं जाते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, डिपॉजिट भी कर लोगे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वेरीफिकेशन जो है आपके अकाउंट का वो ज़रूरी नहीं है डिपॉजिट के लिए। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो बिना वेरीफिकेशन के लिए ही डिपॉजिट हो जाएगा। ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। आपका वेरीफिकेशन जो है, आप अगर बिना डिपॉजिट किए, बिना वेरिफिकेशन के डिपॉजिट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर मैंने क्लिक कर दिया है और देखते हैं मेरे पास क्या इंटरफेस जो है वो खुल के आता है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, एक पेज आ गया है मेरे पास खुल के। ये IQ ऑप्शन है, IQ ऑप्शन का इंटरफेस है। बाकी जो डिस्कस करेंगे फर्दर कि हमें विड्रॉ क्यों नहीं मिलता है और बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। विड्रॉ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है IQ ऑप्शन का। ठीक है, और दूसरा जो कारण होता है, जो हम पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं वो वेरीफाई है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है ईमेल कंफर्मेशन की। अगर आपका ईमेल कंफर्म है तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना होता है, और जैसे ही आपका जो ईमेल अकाउंट है वहाँ पे आपके पास एक मेल आएगा और उस मेल पे आपको कन्फर्मेशन का बटन आएगा कि ये आप ही या नहीं, तो उस पर कन्फर्म करते ही ये जो ईमेल है आपका कन्फर्म हो जाएगा। फिर आएगा फ़ोन वेरीफिकेशन, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं वैसे, अगर आप मेरे हिसाब से तो कर ही लो, मैंने तो यहाँ पे स्किप किया हुआ है, बट आपको दिखाने के लिए आप कर सकते हो इसे। पर्सनल डेटा पे आते हैं, तो पर्सनल डेटा इन द सेंस आपका आपका नाम, आपका फोटो अगर आप देना चाहते हो तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं मानते, डेट ऑफ बर्थ एंड दैट्स इट। अब आते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है वीडियो का, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। आपका जो आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी आपके पास जो है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के नागरिक हैं, वो कैसे जज होगा? तो ये लोग क्या करते हैं ना यार, ये रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, इनको बताना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो इनके प्लेटफॉर्म पे, तो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है आपकी जो इनको शो करनी होती है कि भाई आप हो। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का चीट नहीं हो रहा है, तो आप हो, तो आप नेशनल कहाँ की नेशनलिटी के साथ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप रेगुलेट मतलब एक जेन्युइन गाय हो या नहीं, तो इस वजह से आपको ये करना होता है।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, देखिए यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आप ये मोबाइल से करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर आप ये सिस्टम से करोगे, डेस्कटॉप से करोगे तो भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपकी कंट्री कौन सी है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंडिया चूज़ किया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे देखेंगे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं पासपोर्ट और लाइसेंस और आइडेंटिटी कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोग मिस कर जाते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पासपोर्ट लिखा है तो सिर्फ आप पासपोर्ट को अपलोड कर दोगे, उसकी पिक खींच के, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पहली गलती जो ये है, पहली लोग जो गलती करते हैं वो ये कि यहाँ पे आपको जो पिक्चर क्लिक, आप जो फोटो क्लिक करोगे पासपोर्ट की, तो उसके फ्रंट साइड की यानी पहले पेज की पूरी पिक्चर क्लिक करनी है, और आपको वर्टिकली पिक्चर क्लिक करनी है, हॉरिजेंटली नहीं करनी है। पहली चीज़ याद रखो, आपको सीधे तरीके से फोटो क्लिक करनी है और टेढ़े तरीके से नहीं करनी। अगर मैं बोलूं हॉरिजेंटली नहीं करनी, आपको वर्टिकली करनी है। दूसरी चीज, आप का जो एंगल होगा कैमरे का वो स्टेबल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कोई पिक क्लिक करते टाइम अपनी क्रिएटिविटी लगाओ। तीसरी चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो ये, जब आप पिक क्लिक करोगे तो उसमें पासपोर्ट के चारों कॉर्नर दिखने चाहिए क्लियरली, यानी टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, चारों कॉर्नर आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं क्रॉप कर दो आप उसे, क्रॉप्ड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्लर नहीं होनी चाहिए पिक्चर पासपोर्ट की, आपको बिल्कुल ब्लर नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ड्राइविंग लाइसेंस में लोग जो गलती करते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपको क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करनी नहीं है उसकी, आपको उसको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करवाओगे आप, और वो भी बोथ साइड से, ठीक है, दिमाग में अच्छे से डाल लो ये चीज़। आपको स्कैन कराना है, वो भी बोथ साइड से। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आगे की तरफ की पिक्चर क्लिक कर दी एंड आपने बस अपलोड कर दिया तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। और आपको पता है, अगर एक बार यहाँ पे वेरिफिकेशन टल जाता ना, मतलब नहीं होता, तो आपको फिर आप उसके पीछे लगे रहो, फिर वो वेरिफिकेशन होगा ही नहीं आपका। ये लोग एक बार अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं करते, मतलब अगर आप किसी गलती से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में हो जाती है आपसे या वेरिफिकेशन अटक जाता है, तो फिर आपका ये अकाउंट ही ब्लॉक है, समझ लो, फिर नहीं हो पाएगा। अब देख लो फिर से कोशिश करके, दिक्कत ज़रूर आएगी आपको, फिर आप सपोर्ट को मेल करोगे, वहाँ से रिप्लाई नहीं आता। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ी सी और वीडियो है, पूरी देखना, समझ आ जाएगा आपको कि आप मेजरली क्या गलतियां करते हो। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो इमेज बना रखी है अबाउट दिस बाइनरी मार्केट कि यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता भैया, पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये इमेज है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि इमेज सही है, काफ़ी ख़राब इमेज बना रखी है। लेकिन लोग ही गलती करते हो, आप बहुत लोग हैं जो गलतियाँ करेंगे, फिर उसके बाद ब्लेम किसी और को करना सही नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में जेन्युइनली इन लोगों की गलतियाँ भी होती हैं, आई स्ट्रांगली एग्री कि कुछ केसेस में जेन्युइनली इन लोगों की गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन वो केसेस भी क्लियरली डिफाइंड है। आप बहुत बड़े विड्रॉज लोगे, इतने बड़े विड्रॉज लोगे जितने आप, मतलब मैंने आपको हमेशा से रिकमेंड करता हूँ मैं आपको, $300 या उससे कम के विड्रॉ लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मुझे लोग कमेंट करके कहते हैं, सर $1,000 का, $5,000 का विड्रॉ करके दिखाओ। यार क्या ज़रूरत है आपको, जब पैसा आ रहा है धीरे धीरे आएगा, तो प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ से। तो अगर आप इतने बड़े विड्रॉल होगे, तो कभी कभार जैसा मेरे को कमेंट देखने को मिल जाता है, सर मैंने इतना बड़ा विड्रॉल लिया, आया नहीं बैंक में, तो वो बैंक वालों की मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे, मतलब वो बैंक से अटक जाता है विड्रॉ। उसके भी केसेस हैं, मैं वो भी डिफाइन करूँगा अलग से किसी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, मैंने आपको बात कर ली। आइडेंटिटी कार्ड की भी बात सेम है, चारों कॉर्नर आपके अगर आप यूज़ करते हो आधार कार्ड या कोई भी अदर वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, तो यहाँ पे पैन कार्ड तो माफ़ी चाहूँगा शायद नहीं हो पाए, लेकिन अगर आधार कार्ड आप यूज करते हो तो उसके चारों कार्ड विजिबल होने चाहिए, मतलब चारों कॉर्नर विजिबल होने चाहिए, और आगे से पीछे से दोनों तरफ की पिक होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। और आपकी फोटो प्लस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, दो चीज तो कम से कम मेंशन क्लियरली होनी चाहिए। तो अगर आप ये वेरीफाई कर दोगे, आइडेंटिफाई जो प्रूफ है ये कर दोगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला है, द डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली शो योर फुल नेम, ठीक है, तो कोई भी आईडी में आपका पूरा नाम तो ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है आपकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट,
डॉक्यूमेंट नंबर एंड योर सिग्नेचर। ये मतलब ज़रूरी नहीं आपका सिग्नेचर हर एक आइडेंटिटी कार्ड में हो। जैसा कि अगर आप यूज़ करते हो पासपोर्ट तो उसमें आपको मिल जाएगा आपका सिग्नेचर, लेकिन हर किसी आइडेंटिटी कार्ड में आपका सिग्नेचर हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप इसको अटैच कर दोगे उसके बाद आप का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें टाइम लगेगा शायद 24 to 48 hours, बट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन जो है टोटल कंप्लीट हो गया है, यू आर अ वेरीफाइड यूज़र फ्रॉम IQ ऑप्शन। उसके बाद जो लोग सेकंड गलती करते हैं विड्रॉ लेते टाइम, वो होगा पेमेंट गेटवे के साथ, यानी माफ़ी चाहूँगा वॉलेट के साथ। सपोज़ कीजिए आपका जो पेमेंट है आप उसे लेना चाहते हैं स्क्रिल में, स्क्रिल में अगर आप विदाउट वेरिफिकेशन जाते हैं तो 10,000 लिमिट होती है उसकी। तो अगर आप यहाँ पे विदाउट वेरिफिकेशन के जाते हैं, आपकी अमाउंट है 20,000, आपने विड्रॉ प्रोसेस कर दिया, वहाँ पे जाके स्क्रिल में वो चीज़ अटक जाएगी, स्क्रिल में नहीं अटकेगी तो आपका बैंक या फिर गेटवे में वो चीज़ प्रॉब्लम कर देगी। आप यूज़ कर रहे हैं नेटलर, वेरीफाई नहीं किया उसको अच्छे से तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत अवेयरनेस की है। वही चीज़ मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ जनता के अंदर कि बिना किसी चीज़ को देखे यूज़ किए जज करना, कमेंट करना चीज़ों पे गलत है। ठीक है, हाँ मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि हर एक प्लेटफॉर्म जो बाइनरी ऑप्शंस या ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है वो सही भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे दूध के धुले हुए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारे के सारे दूध के नहीं धुले हुए। लेकिन भैया हमारा दिमाग जो है ना, हम उनको अपने दिमाग से हरा सकते हैं। वो भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, हम भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अब उन हम दोनों में से जीतेगा तो एक ही, या तो वो पैसा कमा के जाएगा कंपनी वाला, या हम पैसा कमा के लाएंगे। तो अब हम क्यों नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कमा सकते, ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो कमा के ले जाते हैं, हम अपने पेशेंस को नहीं हैंडल कर पाते। और बहुत कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको समझाया है, ये चीज़ मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वेरीफिकेशन से रिगार्डिंग IQ ऑप्शन के, तो भैया यहाँ पर कॉल कर सकते हो, आप मैसेज पे भी बात कर सकते हो, चैट सपोर्ट से बहुत इंस्टेंट आंसर्स मिलते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ इतने ध्यान रखना है आपको कि अगर आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रहे हो उसके आगे यानी फ्रंट और बैक दोनों का स्क्रीन, दोनों का फोटो होना चाहिए अटैच, आपकी जो पिक है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्लियर होनी चाहिए, ब्लरी नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई इफेक्ट वहाँ पर आपको नहीं यूज़ करना है, फोटो को क्रॉप आपको नहीं करना है, और आपके जो भी आइडेंटिटी कार्ड होंगे उसके चारों कॉर्नर विजिबल होने चाहिए। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे तो आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका IQ ऑप्शन वेरीफाई हो गया, आपका वॉलेट वेरीफाई हो गया, तो बताइए यार फिर आपके पैसे कहाँ जाएंगे, क्यों अटकेंगे पैसे? बहुत रेयर चांसेस होंगे, रेयर चांसेस इन द सेंस अगर आपने जो बैंक यूज़ किया है उस बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड नहीं है, वो बैंक जो आपने यूज़ किया है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को वैलिड नहीं करता है, तो इन केसेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बहुत बड़े बड़े विड्रॉज ले रहे हो तो इन केसेस में थोड़ी बहुत कहीं इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मूथली जाओगे इस रोड पे तो आपको कोई गड्ढा नहीं मिलेगा रोड पे। लेकिन अगर आप गड्ढों में चलाओगे गाड़ी तो भैया ढचके तो आपको जो फील होगा। ठीक है, तो भैया मुझे लगता है यार जो चीज़ मुझे समझानी चाहिए थी और जिस चीज़ के लिए लोग बहुत वेट कर रहे थे तो वीडियो उस पर आ गई है। लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर चली गई बट उम्मीद करूंगा पसंद आई आप लोगों को। नए होंगे चैनल पे तो अगर आप बाइनरी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट या ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं अबाउट शेयर मार्केट, और अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पास में ही मिलेगा यार, फ्री है, सब्सक्राइब करने के बाद उसे ज़रूर बजा देना, कुछ भी करो बट बेल आइकन को हिट कर दो और शेयर किया करो यार वीडियोज़ को। चलिए यार गाइज़ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए।